मैं असल में एक लेख देख रहा था, और खासतौर पर वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी ये खबर आई है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उससे मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को कम किया जा रहा है। तो एक लेख अभी सव्यसाची दास ने लिखा है जिसमें उन्होंने ये तथ्यों के साथ बताने की कोशिश की है कि असल में निर्वाचन आयोग के पास इतनी शक्ति होती है कि वो चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो संस्थात्मक छेड़छाड़ हो रही है उससे क्या भारतीय लोकतंत्र को एक खतरा पैदा हो गया है, ये मेरा सवाल है। और शायद चुनाव आयोग की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर किसी मंत्री को लाने के बारे में सरकार जो कोशिश कर रही है, ये खबर पहले से चल रही है। ये विश्वास मत, जब जिस दिन विश्वास मत की बहस चल रही थी, उस अविश्वास मत की बहस चल रही थी, उस दिन भी ये खबर थी। मैं ये मानता हूं कि ये सरकार अघोषित रूप से ये साबित करना चाहती है कि जो लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसमें विधायिका और कार्यपालिका का जो जोड़ है, मतलब वही जोड़ प्रमुख, वही जोड़ जो है वो प्रभुत्वशाली जोड़ है, उसी की चलनी चाहिए हर हालत में। वो कहीं भी, और विधायिका भी वो जो 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 वो सरकार चाहे, तो और इसको आप दोनों को मिला के कार्यपालिका कह सकते हैं, तो कार्यपालिका की चलनी चाहिए। ये पूरी कोशिश लगातार हो रही है। अच्छा, परिस्थिति, व्यवहारिक स्थिति यह है कि जजों की नियुक्ति भी कार्यपालिका और सरकार करती है, तो जज घुमा फिरा के एक तरह से सरकार के मुखापेक्षी हो ही जाते हैं, है? तो मतलब इस तरह की परिस्थिति है। इसमें जो बहुत ही आप सम्मान वाला जज होगा वही नहीं करेगा ऐसा, बल्कि बाकी बहुत मुश्किल होती है जजों को अपने रिटायरमेंट के बाद में भी कुछ व्यस्त रहने के लिए कुछ चाहिए होता है ताकि वो प्रासंगिक बने रहें, प्रशासनिक रूप से भी प्रासंगिक बने रहें और प्रोफेशनल रूप से भी प्रासंगिक बने रहें और आमदनी के लिहाज से भी प्रासंगिक बने रहें, तो उसके लिए भी सरकार के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो इस तरह इस लोकतंत्र में जो अधिकारों का बंटवारा है और जिम्मेदारियों का बंटवारा है, उसमें पलड़ा पूरी तरीके से कार्यपालिका के पक्ष में झुक जाता है, और इस परिस्थिति का सरकार जम के उपयोग कर रही है अपनी तरफ पूरे मामले को खींचने के लिए। अच्छा, इसके दूरगामी नहीं, फौरी तौर पर भी दुष्परिणाम होते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यायपालिका को जब लगता है कि हर बात बात में उसके पैर पर पैर रखा जा रहा है, यानी मुख्य न्यायाधीश को ही हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, उसके लिए कानून बनाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसा चुनाव आयुक्त बनाया जाए जो हमारे कहने पे ही काम करे और बिल्कुल हमसे किसी तरह की निष्पक्ष और स्वायत्त किस्म की भूमिका ना निभा पाए। तो ऐसी परिस्थिति जो है वो लोकतंत्र को विकृत कर ही देगी, लोकतंत्र के पूरे ढांचे को गड़बड़ा देगी। और आज तो ये खबर भी आई कि जो दिल्ली सेवा विधेयक पास हुआ था वो अब कानून का दर्जा प्राप्त कर चुका है क्योंकि राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इस कानून के बनने के बाद दिल्ली की राजनीति किस तरीके से प्रभावित होगी? क्या अरविंद केजरीवाल को अब जनता के पास ज्यादा सक्रियता से जाने की जरूरत है इस मुद्दे को लेकर? वो लोग तो पहले से ही बिना अधिकारों के काम कर रहे थे, लेकिन मौजूदा उपराज्यपाल से पहले जो उपराज्यपाल होते थे वो थोड़ी गुंजाइश दिया करते थे सरकार को, तो उससे सरकार कम से कम जिन क्षेत्रों में, जिन जो क्षेत्र उनके हाथ में है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह, तो उनमें अपना काम करते रह सकते थे। अब ये मौजूदा राज्यपाल वहां भी हस्तक्षेप अपना कर रहे हैं। एक चपरासी की नियुक्ति भी दिल्ली सरकार नहीं कर सकती राज्यपाल की अनुमति के बिना, हर चीज के लिए एलजी का अप्रूवल चाहिए, एलजी का अप्रूवल। ये एक ऐसी लाइन है जो आप दिल्ली में जो भी सचिवालय में जाएं, कहीं जाएं, हर जगह आपको किसी दिल्ली सरकार की संस्था में जाएं, एलजी का अप्रूवल चाहिए, एलजी का अप्रूवल चाहिए, ये एक लाइन हर जगह आपको सुनने को मिलेगी। तो अब ये तो पहले से ही वो कर रहे थे, और वो लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि ये बिल्कुल उनके लिए आर पार की लड़ाई है, या तो उनको खत्म कर दिया जाएगा या वे अपने अधिकारों को जीत रहे। वो बिल्कुल, और अधिकारों को तभी टिके रह सकते हैं जबकि वो जनता के बीच में अपनी पहुंच बनाए रखें, और जब चुनाव की टक्कर हो तो वहां पे वो उसी ठप्पे के साथ जीत हासिल करें जिस तरह से उन्होंने पिछले दो चुनावों में हासिल की।
आपने इस हफ्ते एक लेख लिखा था दैनिक भास्कर में कि किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करते हैं और एक अलग अलग उसके मॉडल क्या हो सकते हैं, तो इस विशेष संदर्भ में कि जो आपके तर्क हैं अगर आप हमें एक बार बताएं तो शायद हमारे दर्शकों को। मुख्य तौर पर जब मैंने देखा कि एनडीए के सांसदों के 40-40, 45-45 सांसदों के समूह बना दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री उनको अलग अलग संबोधित कर रहे हैं, तो पहले जब एनडीए के समूह को संबोधित किया तो उसकी खबर जब आई तब मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया। अब तक वो और कई समूहों को संबोधित कर चुके होंगे, तो उसमें प्रधानमंत्री ने कुछ जो बातें कही उस पर मैंने अपने अन्य समाज वैज्ञानिक विद्वान साथियों से भी चर्चा की, तो वो लोग भी इस बात को मान रहे थे और उन्होंने भी कुछ मुझे इसमें कुछ गहराई से देखने का मौका प्रदान किया। जैसे कि बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे कि धारा 370, जैसे कि राम मंदिर, जैसे कि 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाना, जैसे कि विदेश नीति में मोदी और भारत का डंका बजना, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री का कहना ये था कि सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर इन सब बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो एक तरह से वो ये भी कह रहे थे कि इन सब बड़ी बातों को वो उनके लिए छोड़ दें, ये बड़े बड़े हथियार हैं, इसको प्रधानमंत्री चलाएंगे, गृहमंत्री चलाएंगे, ये सब सांसदों को नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रधानमंत्री को यह भी लगा होगा कि अगर वो लोगों अगर सांसद कहेगा देखिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, तो सांसद तो जनता ये भी कह सकती है भाई हमें क्या मिल रहा है ये भी बता दो, तो वहां पर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए सांसदों को चाहिए कि जनता के निकट जाएं, उनके साथ मिलकर काम करें और हमदर्दी हासिल करें। इसके पीछे एक ये भी एहसास है कि स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त होने वाली है अगले चुनाव में। बहुत सारे सांसद हैं जो 10 साल हो जाएंगे उनको सांसद बने हुए, तो दूसरे चुनाव में 2019 के चुनाव में तो वो घुसकर मारा वगैरह वगैरह के चक्कर में जीत गए, लेकिन इस चुनाव में तो वैसी कोई बात है नहीं सामने। ये अलग बात है कि अगले 7-8 महीने में फिर से कोई ऐसा ही मुद्दा आ जाए जिससे सरकार को उस तरह का लाभ हो जाए, लेकिन अभी तक तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रहा है, भविष्य के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो ये एक ऐसी स्थिति है, नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो निर्वाचन क्षेत्र के स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है इसका मुकाबला कैसे किया जाए। इसका मुकाबला करने के लिए एक तो बनी बनाई रणनीति है कि सांसद को उम्मीदवार बदल दिया जाए, लेकिन ये आप सब जगह तो कर नहीं सकते हैं भाई। आखिरकार भाजपा ने जो 303 सीटें जीती हैं, उन 303 सीटों पर आप ज्यादा से ज्यादा 100 उम्मीदवार बदल सकते हैं, अधिकतम 1/3 उम्मीदवार बदल सकते हैं, बाकी 200 उम्मीदवारों को तो आपको दोहराना होगा। तो वो 200 उम्मीदवारों के खिलाफ या 250 उम्मीदवारों के खिलाफ जो स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी होगी उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरी कवायद जो है वो इस लक्ष्य की तरफ उन्मुख है। अब ये नरेंद्र मोदी को भाजपा को इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो सब्सिडी तंत्र बनाया है, लाभार्थियों का जो संसार बनाया है, उससे उनको थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि ये लाभार्थियों का संसार विपक्षी सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर बना दिया है और उतने ही शक्तिशाली तरीके से बनाया है। अशोक गहलोत ने बनाया, सबने बनाया है, अरविंद केजरीवाल ने बनाया है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने भी बनाया है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने बनाया है, बीजू जनता दल ने बनाया है, कोई छोटा मोटा नहीं है, आप उसका अलग से अध्ययन नहीं हुआ है, वो उतना ही शक्तिशाली है और जनता को उसी तरीके से वो आर्थिक रियायतें देते हैं। तो कई लिहाज से अगर देखें तो भाजपा को लगता है कि उन्होंने जो लाभार्थियों का संसार बनाया था उसको स्थानीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर कई जगह न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तो उन्हें लगता नहीं है कि इसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा फायदा उनको मिलेगा। तो ये सब चिंताएं उनके मन में है, कहीं ना कहीं उनको लगता है, सपना आ रहा है भाजपा को, मुझे लगता है कहीं 2004 ना हो जाए। तो ये सब जो तैयारियां हैं, ये पेशबंदियां हैं, ये सब 2004 के अंदेशे से निपटने के लिए है। इस मैं आखिरी सवाल राजस्थान के संदर्भ में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने अशोक गहलोत का नाम लिया, तो उन्होंने ओबीसी के आरक्षण को 6% बढ़ाया, महिलाओं को अभी उन्होंने
फोन देने की घोषणा की, तो वो काफी हद तक एक ऐसा तरीका अपना रहे हैं जिससे कि जनता ये माने कि उन्होंने काफी लोक कल्याणकारी काम किए हैं। तो क्या आपको लगता है अभी हाल की स्थिति में कि वो राजनीतिक फायदा लेने की स्थिति में है? दो, उन्होंने दो बहुत जबरदस्त काम किए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है। एक तो उन्होंने महंगाई राहत शिविर लगाई जो बिल्कुल एकदम नए किस्म की योजना है, ऐसा किसी और जगह नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने काम यह किया है कि उन्होंने एक रोजगार गारंटी स्कीम बनाई है उन्होंने, जो एक तरह से इनकम गारंटी स्कीम जैसी है। बजाय इसके कि लोगों को आमदनी दी जाए, आमदनी सुनिश्चित दी जाए, उन्होंने लोगों को रोजगार गारंटी जो नरेगा के तहत मिलता था उसको बढ़ा के इस तरह का बनाया है जिससे लोगों की आमदनी बढ़ सके, और उसे कानूनी जामा पहनाया है उन्होंने, कानूनी जामा पहनाया। इस बात को लेकर जो बाजारवादी अर्थशास्त्री हैं वो उनसे बहुत खफा हैं, उनके खिलाफ तमाम लेख लिखे जा रहे हैं जगह जगह, कहा जा रहा है कि ये कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, राजस्थान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, दिवाला निकल जाएगा, इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं। तो अब इन सब चीजों के राजनीतिक फलितार्थ क्या निकलते हैं ये तो चुनाव में तय होगा, ये तो अक्टूबर नवंबर में सामने आएगा। लेकिन ये सब करके उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को भाजपा से आगे कर दिया है। अब स्थिति यह है कि पहले भाजपा आगे चल रही थी, क्योंकि राजस्थान में हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। अब स्थिति यह है कि अब कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि इस बार भाजपा का नंबर है। अभी मैं बीकानेर गया था, राजस्थान गया था, वहां लोगों से, बहुत लोगों से बातचीत की, पत्रकारों से बातचीत की, और भी ट्रेन में और दूसरी ऐसी साधारण लोगों से बातचीत की जो राजस्थान जा रहे थे या राजस्थान से आ रहे थे, तो सब किसी ने भी नहीं कहा कि इस बार भाजपा का नंबर है। सब लोग कहते रहे कि लड़ाई बहुत टक्कर कांटे की है, और अशोक गहलोत साथ में ये भी कहते थे कि गहलोत ने बड़ा जबरदस्त काम करके दिखाया है। गहलोत ने जो किया है उसकी चमक इतनी है कि उससे भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावनाएं जो है वो राजस्थान में धूमिल पड़ गई हैं। तो ये जो अशोक गहलोत ने कर पाया है, और इसी तरह की आप अगर छत्तीसगढ़ पर ध्यान दें तो वहां भी, वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां तो भाजपा वैसे भी बहुत कमजोर स्थिति में है, भाजपा वहां भी है। और आप देखिए कि भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान, शिवराज सिंह चौहान, कोई गहलोत से पीछे नहीं है इन मामलों में। वो भी अपने आप को लड़ाई में रखने के लिए इसी प्रकार की उन्होंने एक लाडली योजना बनाई है, उस लाडली योजना से वो अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने मामा के रूप में अपनी छवि जो है वो काफी, पहले तो मैं सोचता था शायद व्यंग से लोग उनके बारे में मामा कहते होंगे, लेकिन वो तो खुद ही कह रहे हैं कि वो सबके मामा है। टीवी पे बाकायदा आता है ये, मामा जी की सरकार है वो, तो उसके लिए वो स्त्री वोटरों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती का उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी, उनकी सरकार बहुत लंबी चली है, उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो ये सब देखने की बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने की जो युक्तियां हैं ये कहां तक काम करती हैं।